डियर रीडर्स, आज हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे हिमाचल की नदियों से संबंधित। और ये प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमाचल के पूर्वतम छोर में प्रविष्ट होने वाली नदी कौन सी है। आंसर इज सतलुज। हिमाचल के दक्षिण पूर्वी छोर में बहने वाली नदी कौन सी है। यमुना। हिमाचल के उत्तरी छोर में बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं। चिनाब तथा रावी। हिमाचल के पश्चिमी छोर में उद्गमित होने वाली नदी कौन सी है। ब्यास। निम्न नदियों का उचित मिलान कीजिए। रावी, ब्यास, सतलुज, चिनाब, यमुना। और इसमें मैच करना है रोहतांग दर्रा, बड़ा बंगाल, बारालाचा, बंदरपूंछ, राक्षस ताल। यानी रावी नदी कहाँ से निकलती हैं। आती हैं बड़ा बंगाल से, ब्यास निकलती हैं रोहतांग पास से, सतलुज निकलती हैं राक्षस ताल से, चिनाब निकलती है बारालाचा से, और यमुना निकलती है बंदरपूंछ से। यानी क के साथ सेकंड, ख के साथ फर्स्ट, ग के साथ फिफ्थ, और घ के साथ थर्ड, और ग के साथ फोर्थ। नेक्स्ट है निम्न नदियों का उचित मिलान कीजिए। रावी, व्यास, सतलुज, चिनाब, यमुना। रावी, इसमें जो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं मिलान करने के लिए, मैच करने के लिए, चीन है, कुल्लू, लाहौल व स्पीति है, कांगड़ा है, उत्तरांचल है, और लाहौल व स्पीति है। रावी नदी की अगर हम बात करें, रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। बड़ा बंगाल से, विच इज़ सिचुएटेड इन कांगड़ा। ब्यास नदी का रोहतांग पास से, जो कि कुल्लू और लाहौल स्पीति के मध्य स्थित है। सतलुज राक्षस ताल से, जो कि चीन में स्थित हैं। और चिनाब का लाहौल स्पीति से उद्गम होता है, और यमुना का उत्तरांचल से उद्गम स्थित होता है। अर्थात क के साथ थर्ड, ख के साथ सेकंड, ग के साथ फर्स्ट, घ के साथ फिफ्थ, और ग के साथ फोर्थ। नेक्स्ट है निम्न नदियों का उचित मिलान कीजिए। रावी, ब्यास, सतलुज और चिनाब। रावी नदी जिसकी जो टोटल लेंथ है वो 158 किलोमीटर है। ब्यास की 256 है, सतलुज की 320 है, चिनाब की 122 है, और यमुना की 14 किलोमीटर है। यानी क के साथ फर्स्ट, ख के साथ थर्ड, ग के साथ सेकंड, घ के साथ फिफ्थ, और ग के साथ फोर्थ। नेक्स्ट है हिमाचल में बहने वाली कौन सी नदी जांस्कर श्रेणी से बहती है। द आंसर इज सतलुज। क्योंकि सतलुज मानसरोवर से निकलती है और राक्षस ताल से, जो कि चीन में स्थित है, ये जांस्कर श्रेणी में पड़ता है। ब्यास नदी हिमालय की कौन सी श्रृंखला से निकलती है। पीर पंजाल से। रावी नदी हिमालय की कौन सी श्रृंखला से निकलती है। धौलाधार से। चिनाब का उद्गम हिमालय की कौन सी श्रृंखला से होता है। पीर पंजाल से। हिमाचल में बहने वाली कौन सी नदी का उद्भव बद्रीनाथ श्रृंखला से होता है। यमुना से, बंदरपूंछ नामक स्थान से। सतलुज हिमाचल के किन किन जिलों में बहती है। किन्नौर, शिमला, सोलन, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, ऊना। ब्यास नदी हिमाचल के किन किन जिलों में बहती है। कुल्लू, मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर। रावी नदी हिमाचल के किन किन जिलों से बहती है। कांगड़ा है और चंबा है। हिमाचल में चिनाब किन किन जिलों से बहती है। लाहौल स्पीति व चंबा से। यमुना हिमाचल के किन किन जिलों से बहती है। केवल सिरमौर जिले में बहती हैं। प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सतलुज। प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी है। यमुना। जलंधर का शाब्दिक अर्थ क्या है। जल को धारण करने वाला। निम्न नदियों का उचित मिलान कीजिए। रावी, व्यास, सतलुज, चिनाब, यमुना। शुतद्रु, परोशनी, कालिंदी, अर्जिकिया और असिकनी। ये ऋग्वैदिक नाम है। रावी का ऋग्वैदिक नाम है परोशनी। व्यास का वैदिक नाम है अर्जिकिया। सतलुज का वैदिक नाम है शुतद्रु। चिनाब का वैदिक नाम है असिकनी। और यमुना का वैदिक नाम है कालिंदी। अर्थात क के साथ सेकंड, ख के साथ फोर्थ, ग के साथ फर्स्ट, घ के साथ फिफ्थ, और ग के साथ थर्ड।
नेक्स्ट है, निम्न का जवाब उचित मिलान कीजिए। रावी, व्यास, सतलुज, चनाब, यमुना। यहाँ जो है वो कैचमेंट एरिया दिया गया है। रावी का जो कैचमेंट एरिया है वो है 5451 वर्ग मील। व्यास का जो कैचमेंट एरिया है वो है 12,000 वर्ग मील। सतलुज का जो कैचमेंट एरिया है वो है 20,000 वर्ग मील। चिनाब का जो कैचमेंट एरिया है वो है 7,500 वर्ग मील। और यमुना को जो कैचमेंट एरिया है वो है 2,320 वर्ग मील। नेक्स्ट है, सतलुज को तिब्बत में किस नाम से पुकारते हैं? लॉन्गचेन खवाव। हिमाचल में बहने वाली कौन सी नदी सिंधु की पूर्वतम सहायक नदी है? सतलुज। हिमाचल की किस नदी को लाल नदी के नाम से भी पुकारते हैं? सतलुज को। वेदों में विशेष रूप से उल्लेखित जो सतलुज नदी है उस वो किस ग्रंथ में शुतुद्रुक के रूप से उल्लेखित की गई है? महाभारत में। सतलुज शुतुद्रुक के अतिरिक्त किन किन नामों से पुकारी जाती हैं? मुकसंग, संपू, जुगंटी, समुद्रंग और शुतुद्रा। सतलुज किन्नौर के किस स्थान में हिमाचल में प्रविष्ट होती है? ज्यूरी। मंडी में किस स्थान पर सतलुज नदी प्रविष्ट होती है? हुईधार। ऊना में किस स्थान पर सतलुज नदी प्रविष्ट होती है? नंगल। हिंदुस्तान तिब्बत रोड के समानांतर कौन सी नदी बहती है? सतलुज। कंदरौर पुल किस जिले में स्थित है और किस नदी पर निर्मित है? बिलासपुर जिले में है और सतलुज नदी पर स्थित है। गोविंद सागर झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है और किस बांध के निर्मित होने के कारण हुआ है? सतलुज नदी पर जो भाखड़ा बांध है उसके निर्माण होने से जो है वो गोविंद सागर झील बनी है। किन्नौर में सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? स्पीति। पेजूर, काशंग, मुलगन, बांगर, शोरंग तथा तीरथ किसकी सहायक नदियां हैं? किन्नौर में सतलुज नदी की। सैंज है, नोगली है, श्वान है और प्रसाद है किसकी सहायक नदी है? शिमला जिले में सतलुज की। सीर, लोनी, गमरोला तथा अली किसकी सहायक नदियां हैं? बिलासपुर में सतलुज की। कूपन नदी सतलुज की सहायक नदियां किस जिले में बहती है? कुल्लू में। रिकांगपियो, रामपुर, कल्पा, सरहां, तत्तापानी किस नदी के किनारे स्थित है? सतलुज। ब्यास नदी का उद्गम स्थल की ऊंचाई कितनी है? 3,978 मीटर, यानी ये रोहतांग पास की ऊंचाई है जहाँ से कि ब्यास नदी निकलती है। यूनानियों ने ब्यास नदी को किस नाम से पुकारा है? हिफेसिस। ब्यास नदी का नामकरण किसके आधार पर हुआ है? ब्यास कुंड के समीप ब्यास आश्रम स्थित होने के कारण। ब्यास का वर्तमान संस्कृत नाम क्या है? विपाशा, यानी पाश से मुक्त। रोहतांग का शाब्दिक अर्थ क्या है? शवों का ढेर। कुल्लू तथा कांगड़ा में घाटी निर्माण में कौन सी नदी सहायक है? ब्यास नदी। किस स्थान पर ब्यास मंडी में प्रविष्ट होती है? बजोरा के फिरनो नामक स्थान पर, जिसे चौरसीगढ़ भी कहा जाता है। हमीरपुर में किस स्थान पर ब्यास नदी बहती है? नदौन के समीप हरसी पाटन नामक स्थान पर। पंजाब में किस स्थान पर सतलुज तथा ब्यास नदी मिलती हैं? हरी का पाटन नामक स्थान पर, हरी का बैराज भी उसे कहते हैं। मंडी में किस स्थान पर 14 किलोमीटर लंबी सुरंग का ब्यास का जो जल है वो सतलुज नदी में मिलाया गया है? पंडो नामक स्थान से। पंडो सुरंग में जल निकासित करने के पश्चात किस स्थान पर विद्युत उत्पादन की जाती है? सलापड़ नामक स्थान पर। पोंग बांध कांगड़ा में किस स्थान पर निर्मित है? देहरा गोपीपुर में है। महाराणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? ब्यास नदी पर, पोंग नामक स्थान पर। किस वर्ष पोंग स्थल को रामसर अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड साइट घोषित किया गया है? अगस्त 2002। किस वर्ष पोंग स्थल को वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया? 1983। कितनी प्रजाति के विदेशी पक्षी पोंग स्थल पर हर वर्ष आते हैं? 53 प्रजाति के विदेशी पक्षी हैं। किस स्थान पर ब्यास नदी कुल्लू को छोड़ती है? नागवाई नामक स्थान पर। सैंज, पिन, पार्वती, मलाना तथा हुसला किसकी सहायक नदियां हैं? कुल्लू जिले में ब्यास की सहायक नदियां हैं। तीर्थन, फोजल, सरदारी, सोलंग तथा सुजन किसकी सहायक नदियां हैं? कुल्लू में
ब्यास की सहायक नदियाँ हैं? रानू, बीनू, हंसा, जीवनी, उहल तथा बाकली किस जिले में बहने वाली सहायक नदियाँ हैं? मंडी में बहने वाली ब्यास की सहायक नदियाँ हैं? सुकेती, लूनी, सोन, पनौड़ी किसकी सहायक नदियाँ हैं? मंडी में ब्यास की सहायक नदियाँ हैं? किस खड को खड्डों की रानी कहा गया है? बकर खड को, जो कि हमीरपुर और मंडी के बीच में जो है विशेष रूप से प्राकृतिक सीमा बनाती है। कांगड़ा में बहने वाले कौन सी नदी ब्यास की सहायक नदियां हैं? बिनवा है, न्यूगल है, बाण गंगा है, गज है, डेहर है, चक्की है। किस स्थान पर पार्वती ब्यास में मिलती हैं? भुईन के पास। सेंस तथा तीर्थन किस श्रृंखला से निकलकर किस स्थान पर ब्यास में मिलती हैं? शूपाकर्णी श्रृंखला से लाजी के समीप। बड़ा भंगाल और छोटा भंगाल से कौन सी सहायक नदियां निकलकर ब्यास में मिलती हैं? बड़ा भंगाल से उहल नदी निकलती हैं और छोटा भंगाल से लूनी नदी निकलती हैं, और ये दोनों जो है वो ब्यास की सहायक नदियां हैं कांगड़ा के अंदर। सांगला घाटी में कौन सी नदी बहती है? बसपा। पंडोह बांध किस वर्ष निर्मित किया गया? 1977। और पोंग बांध 1974 में निर्मित किया गया था।